हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिज़ाइन का हर एंगल से अलग लुक आता है और पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो ये बेल स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल स्लीव्स कट कर लेना है। मैंने ये नॉर्मल स्लीव्स कट करके रखी है। इसकी लेंथ 10.5 इंच की ली है और रेडी होने के बाद 9.5 इंच की रहेगी और स्लीव डाउन 3.5 इंच पे दिया है। और स्लीव राउंड 9 इंच का है तो उसका हाफ लिया है 4.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन दिया है। आर्महोल 6 इंच का लिया है। यहाँ पे आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्महोल लें। स्लीव्स का फ्रंट आर्महोल शेप भी हमने कट कर लिया है, तो इस तरह से आपको नॉर्मल स्लीव्स कट कर लेना है। अब स्लीव्स को ओपन करके स्लीव्स पर सेंटर मार्क लगा लेंगे और फ्रंट साइड पे मार्क कर लेंगे। अब ये स्लीव्स को हम ब्लाउज में अटैच कर लेंगे, उसके बाद ही बेल स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये डिजाइनर ब्लाउज में हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। और गर्ल्स, अगर आपको ये डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच लगा के स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई है। अब ब्लाउज में हम मेन फिटिंग लगा लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए ब्लाउज में और स्लीव राउंड साइड पे हमने थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करके स्टिच लगाई है। अब हमें स्लीव राउंड साइड से बेल स्लीव्स अटैच करना है, तो पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो बेल स्लीव्स के लिए स्क्वायर शेप में मैंने ये फैब्रिक कट किया है। इसकी लेंथ और विड्थ दोनों हमने 18 इंच की रखी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में हमने 18 इंच का रखा है फैब्रिक। इस तरह से आपको स्क्वायर शेप में फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम फैब्रिक का कोई सा भी कॉर्नर लेंगे और कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें ट्रायंगल शेप में रख देना है। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए रख लेंगे ट्रायंगल शेप में। अब ये फैब्रिक को अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे। अब ये फैब्रिक का जो फोल्डेड साइड है, ये फोल्डेड साइड के सामने वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। ये कॉर्नर से हमें 1.5 इंच तक नीचे मार्क कर देना है। इस तरह से 1.5 इंच तक मार्क करेंगे। अब ये मार्किंग को हमें हल्का राउंड शेप में मिला देना है। यहाँ पे हमें कोई भी कॉर्नर नहीं चाहिए, इसलिए हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करते हुए फैब्रिक से मिला देंगे। ये कॉर्नर की मार्किंग के बाद हमें फोल्डेड साइड वाले कॉर्नर की मार्किंग करनी है। दोनों कॉर्नर में से कोई भी एक कॉर्नर ले लेंगे। अब ये कॉर्नर से हमें 2 इंच का गैप रखना है। इस तरह से ये कॉर्नर के नीचे से हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग को भी हमें हल्का सा राउंड शेप लेते हुए फैब्रिक से मिला देना है। इस तरह से हमें ये दोनों कॉर्नर पे मार्किंग कर लेनी है। सामने वाले कॉर्नर पे हमने 1.5 इंच का गैप रखा है और इस साइड वाले कॉर्नर पे 2 इंच का। अभी दोनों मार्किंग को हम कट कर लेंगे। दोनों कॉर्नर्स हमने कट कर लिए हैं। अब ये जो एक कॉर्नर बचा है, ये कॉर्नर से हमें 5.5 इंच में मार्क करना है। इस तरह से ये कॉर्नर से 5.5 इंच का गैप रखेंगे। अब ये जो राउंड वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर को हमें ये मार्किंग तक फोल्ड करते हुए रखना है। जो हमने 5.5 इंच की मार्किंग की है, ये मार्किंग तक हम ये कॉर्नर को फोल्ड करते हुए रखेंगे। और अब फैब्रिक को अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे। तो इतनी मार्किंग होने के बाद ये जो कॉर्नर बचा है, इसको मैं हल्का सा कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉर्नर स्लीव्स में नहीं चाहिए। अगर आपको स्लीव्स में ये कॉर्नर चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने देना। इतनी मार्किंग होने के बाद अब हमें स्लीव राउंड वाली मार्किंग करनी है। ये फोल्डेड साइड से हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। तो हमने जो स्लीव्स रेडी की थी, उसका हमें स्लीव राउंड लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लीव राउंड में ही अटैच करना है ये बेल स्लीव्स को। अभी स्लीव्स को हमें डबल फोल्ड करते हुए रखना है। इस तरह से स्लीव्स को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करके इसे पिन से अटैच कर लेना है, जिससे ये डबल फोल्ड ओपन ना हो। तो स्लीव्स को बिल्कुल बराबर से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अभी डबल फोल्ड स्लीव्स को हमें ये कॉर्नर पे मिलाते हुए रखना है।
इस तरह से स्लीव्स के दोनों कॉर्नर जहाँ तक आ रहे हैं वहाँ से हमें मार्क कर लेना है। बिल्कुल हमें स्लीव्स के शेप में मार्क कर लेना है ये कॉर्नर से। तो इस तरह से स्लीव राउंड की मार्किंग हो गई है। अब स्लीव्स को जो हमने फोल्ड किया था उसे हम खोल लेंगे और स्लीव्स को अब हम साइड में रख देंगे। अभी मार्किंग को हम एज इट इज कट कर लेंगे। अब सारे पिंस को निकाल के फोल्डेड वाले फैब्रिक को एक बार ओपन कर लेंगे। और अभी हमें पूरी स्लीव्स को ओपन नहीं करना है, सिर्फ एक फोल्ड को ओपन करेंगे। अभी जो फोल्डेड साइड है ये दोनों फोल्डेड साइड पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा स्लीव्स का सेंटर मार्क है। दोनों साइड पे सेंटर मार्क लगाने के बाद अब हम पूरी स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। तो ये जो हमारी स्लीव्स की फिटिंग वाली लाइन है, ये फिटिंग वाली लाइन को हमें ये मार्किंग से मिलाते हुए रखना है। जहाँ पे हमारा बड़ा वाला कॉर्नर स्लीव्स का, वहां पे हमें ये फिटिंग वाली मार्किंग से मिलाना है। इस तरह से स्लीव्स को ये मार्किंग से मिलाते हुए हमें पिन से अटैच कर लेना है। अभी पूरे सर्कल को घुमाते हुए हम स्लीव राउंड में अटैच करते जाएंगे। इस तरह से हमें पिन से सेट करते जाना है। तो पूरे सर्कल को हमने स्लीव राउंड में अटैच कर लिया है। और बेल स्लीव्स में थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो हमने यहाँ पे एक प्लेट्स ले लिए। पिंस को हटाते हुए पूरे स्लीव राउंड में हम बेल स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे पूरे राउंड में। और बेल स्लीव्स का राउंड अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप एक दो प्लेट्स लेके उसे कवर कर सकते हो। तो पूरे स्लीव राउंड में हमने स्टिच लगा ली है और यहाँ पे बेल स्लीव्स अटैच हो गई है। अब यहाँ बेल स्लीव्स के नीचे आप डबल फोल्ड करके स्टिच भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पीको कर रही हूँ। पीको से स्लीव्स का लुक ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो दोनों स्लीव राउंड में मैंने पीको कर लिया है। स्लीव्स का लुक हर एंगल से अलग आएगा। आप देख सकते हो पिक में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो गाइज आपको ये स्टाइलिश स्लीव्स डिज़ाइन कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।